E4 से स्टार्ट करेंगे तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग E5 करते हैं, है ना। तो आप करोगे नाइट टू F3 एंड नाइट टू C6। ये स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल ओपनिंग चल रही है। तो पॉन जानी का मैंने यहाँ आपको करना होता है C3। तो यही होता है पॉन जानी का बेस, है ना। क्यों? क्योंकि ना यहाँ से ना आपको ना मेन मोटिव होता है कि ना आपको ना D4 करना है, ये पॉन्स को आगे करना है और अपनी क्वीन को ये वाली लाइन में निकाल देना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लैक क्या क्या कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके हैं कि ब्लैक ना बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अपना नाइट भी निकाल सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो हम फॉर एग्जांपल देखें कि ब्लैक ने जैसे किया ये वाला पॉन आगे किया, एक ये स्ट्रक्चर आगे किया, तो हाँ आप ये कर सकते हैं। आपको फिर अपना स्टार्ट कर देना है फॉरवर्ड होना, हम करेंगे D4, है ना। जब भी ब्लैक करेगा D6 तो आपको करना है D4। तो अब फिर क्या करेगा, बहुत लोग तो किल नहीं करते हैं, है ना। जैसे ब्लैक ने समझिए ये वाली मूव कर दी, है ना, नाइट टू F6 कर दी, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में ना, आपको करना होगा H3। तो आप बोलोगे कि H3 क्यों, क्योंकि E4 पॉन तो जा रहा है, E4 पॉन किल कर देगा कौन, ये नाइट, तो हम इसको बचाएं ना, नहीं आपको क्या बोलते हैं H3 कर देना है, नहीं आपको ना ये वाला पीस भी आपको नहीं किल करना है, आपको ऐसे ये किल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो किल करेगा पॉन यानी का बेस है वही ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको अभी करना है H3। इसका मेन मोटिव होता है कि ये वाला बिशप है ना, मतलब आपको कुछ और अपने मूव खेलना है, तो और मूव में ये वाला मूव बेस्ट रहता है, क्योंकि बिशप है ना, अब ना बिशप ने यहाँ नहीं आ सकता है, बिशप यहाँ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप ये आगे कर दोगे अगले मूव में। तो ये इसलिए आपको क्या करना है H3। नाउ नाइट क्या करेगा, नाइट बेसिकली बिगनर्स के लिए इसलिए है क्योंकि किल कर देते हैं, है ना। आप भी यहाँ किल करोगे, यहाँ एक अच्छी मूव है, वीडियो रोक के आप देखिए क्या मूव है, सोचो ना, है ना, वीडियो रोको और एक अच्छा देखो कि कुछ अच्छी मूव निकल रही है, क्योंकि आपको करना है D5 आपको करना है। D5 से क्या होगा, ये वाला ना जैसे ही नाइट वो शिफ्ट करेगा ना, तो आपको यहाँ से लगा देना है चेक A4 से। चेक अब कैसे बचेगा, कैसे भी उन्होंने समझिए चेक बचाया, तो आप इसको ऐसे किल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ना कुछ प्लेयर्स ने क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं बिशप टू C5, क्योंकि ना ये ना दो मूव आगे जाने से इसको रोकने के लिए, तो आपको उस कंडीशन में भी ना आपको टू मूव्स फॉरवर्ड आगे करना है, क्योंकि ना वो रोक नहीं पाएगा क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा है, है ना। जैसे वो किल करेगा, आपने किल किया, एक अच्छा बेस बन गया है, तो यहाँ बिशप क्या करेगा, पीछे करेगा, तो आपने मिडल कंट्रोल कर लिया है, ओपनिंग में आप बहुत आगे हो गए हो। बहुत सारे बिशप्स ऐसे चेक लगा सकता है बिशप, तो आप अपना नाइट देखिए, तो देखो कितनी सॉलिड आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, ओपनिंग आपकी बहुत सॉलिड बन चुकी है, है ना। जैसे इन द केस में कुछ प्लेयर्स ये करते हैं कि अभी है मेरे गेम्स में, तो यहाँ एक अच्छा फेजर ट्रैप हो जाता है कि आप ये एक पीस आगे कर दो, है ना। तो एक पीस जैसे ही आगे किया, वो जैसे ये पीछे करेगा और आपने चेक लगाया, और फिर ये बिशप चला जाएगा, जैसे उन्होंने किसी से ही बचाया समझिए ये किया, तो आप बिशप डायरेक्ट मार सकते हो। तो ना पॉन जियानी ना एडवांस प्लेयर के ख़िलाफ़ भी आप खेल सकते हो, है ना। यहाँ ज़्यादातर एडवांस प्लेयर क्या करते हैं, वो करते हैं D5 मूव, ब्लैक की तरफ से बता रहा हूँ D5। तो इस कंडीशन में ना आपको करना है क्वीन टू A4, आपको क्या करना है क्वीन टू A4। इसमें क्या होगा कि जैसे अब ना कंडीशन क्या है, ये समझिए कि उसने ना ये किल किया, तो आप इस जगह पे आप ना ये किल कर सकते हैं, है ना। आप नाइट इंटू E5 कर देना, अब ना ये नाइट पे डबल अटैक है, इन केस वो बिशप से बचाता है तो आप उसका ये वाला पीस E4 पॉन मार देंगे और आप एक पीस अप हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन केस ज़्यादातर प्लेयर क्वीन से ऐसे सपोर्ट देते हैं, दोनों तरफ क्वीन से बचाते हैं, तो उस कंडीशन में ना आपको किल कर देना है, है ना, नाइट इंटू C6। अब वहाँ यहाँ देखिए, अगर उसने क्वीन से किल किया, क्वीन इंटू C6 किया, तो आप यहाँ इसे बिशप रख देंगे और वो हो जाएगा ट्रैप, अब वो ना उसकी क्वीन चली गई। तो और अगर सेकेंड केस कि उसने पॉन से या प्यादे से मारा ना, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप ना एक अच्छा ना अपना ओपनिंग में ना स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। जैसे ये बिशप यहाँ रखा, क्योंकि अब आप ना पीस अप नहीं होंगे, बट
उसकी जो कंडीशन है, उसके पीसेस हैं वो बहुत वीक हैं, आपका ओपनिंग स्ट्रक्चर उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। तो एडवांटेज इन द सेंस आपको एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलेगा। ऐसे ना आपने क्वीन A4 किया और उसने ना बिशप बीच में रख दिया, यानी कि बिशप टू D7 किया, तो उस कंडीशन में आपको ना ये वाला पॉन किल कर देना है ना, ये पीस किल कर देना है E into D5। देन अब ये नाइट क्या करेगा, यहाँ यहाँ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ करेगा। तो उस कंडीशन में आप क्वीन यहाँ बैक ले जाइए, है ना, जैसे इसने इसको किल किया तो आपने किल किया, देन आपका एक पीस आप अब हो गए अप, है ना। आप बाद में जैसे कुछ भी किया, नाइट किया, तो आप यहाँ फ्यूचर में बिशप रखिए और एक पीस अप हो गए। अगर इस कंडीशन में उन्होंने E into D4 किया, है ना, इस कंडीशन में ब्लैक ने E into D4 किया, तो उस कंडीशन में आपको ना E5 कर देना है, एक पीस आप आगे कर देना है। अभी ना नाइट के पास क्या ऑप्शन होते हैं जाने के, नाइट के पास क्या ऑप्शन होंगे, या तो नाइट यहाँ जाएगा, या यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखिए, अगर 1, 2 और ये 3 पीछे की यानी राइट साइड की तरफ गया ना, तो आपको अपना डेवलपमेंट जारी रखना है, या मारिए और फिर अपने दोनों पीस आगे कीजिए। आपका ओपनिंग आप जैसी चाहते थे आपको मिल गई, है ना। इन केस वो नाइट ना समझिए कि यहाँ रखता है, तो यहाँ आपको क्या कर देना है, आपको क्वीन यहाँ रख देनी है, Qe2 कर देना है। तो उस कंडीशन में ना जैसे उन्होंने ना इससे 2 पीस से बचाए, तो आप N% करिए। N% से क्या होगा, अब वो ना जैसे इसको नाइट को बचाने आएगा, तो आप अपना ये वाला नाइट यहाँ रख के ये पीस एक आगे करके उसका ना ये वाला नाइट ट्रैप कर सकते हो, है ना। और अगर नहीं आया समझ में तो आप बैक जाके समझ जाइए, है ना। इन द केस उसने ये नाइट यहाँ रखा, तो वहाँ उस कंडीशन में भी ना आपको ना अपना ना ये इसका ना D4 पॉन किल करना है। और जैसे ही वो नाइट और पीछे गया, जैसे यहाँ गया, कहीं भी गया, तो आपको और आगे करते जाना है, और एक अच्छी मतलब आपको जो मनचाही ओपनिंग मिल चुकी है। आप ना इन केस ना वो नाइट ना यहाँ रखते हैं, Knight2D5 करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास ना 2 ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, है ना। तो वो ऑप्शन है कि पहला आप अपना डेवलपमेंट करिए, यानी कि इसको किल करिए, अपना ये वाले नाइट बाहर निकालिए, और सिंपल आपका ये वाला नाइट बाहर निकल जाएगा, बिशप यहाँ जाएगा, दोनों बिशप की लाइंस ओपन हैं, कैसल करिए और आपकी आप ओपनिंग में जीत चुके हो। सेकंड आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और होता है कि ना आप किल करने के बजाय पहले अपनी क्वीन भी थोड़ी सी डेवलप कर लीजिए, क्योंकि अब ना यहाँ क्या है, फोर्स मूव है ये वाला, फोर्स मूव इसलिए क्योंकि अब ना इसको नाइट हटाना ही होगा, तो आपकी ना एक फ्री में ही ना एक फ्री मूव में क्वीन भी डेवलप हो गई। तो वो जैसे नाइट पीछे करेगा, तो अब आप किल करिए और आगे की तरफ ले जाइए गेम को। आपने ना D4 किया एक पीस आगे, और उनके नाइट ने ना E4 को किल कर दिया आपके एक पीस को, तो उस कंडीशन में आपको करना है D5 एक पीस आगे। अब कहाँ जाएगा नाइट, कोई जगह नहीं है, एक ही ये वाली ही प्लेस है, तो इस कंडीशन में आप बस अपना ये पीस कैप्चर करिए और मिडल पे कंट्रोल कर रहे हैं आप, है ना। आपकी ओपनिंग ज़्यादा बेटर है ना। इन केस उन्होंने ये किया, तो यहाँ एक बहुत डेंजरस अटैक बनता है, वीडियो रोक के सोचिए, वो होता है Bb5, है ना। आपको क्वीन से चेक लगा के, आपको क्वीन से यहाँ चेक लगा के नाइट को नहीं लेना है ना, क्योंकि आपका भी नाइट जाएगा उसके बाद। तो जैसे उन्होंने ये मूव किया, तो आपको यहाँ बिशप से चेक लगाना है, क्योंकि ना यहाँ ट्रिपल अटैक हो रहा है, बिशप से भी, नाइट से भी और पॉन से भी। तो यहाँ आप ना क्या करेगा, ब्लैक के पास सिर्फ 2 ही मूव है, या तो पॉन पुश करेगा या फिर अपने बिशप से बचाएगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर उसने पॉन पुश किया तो उस केस में आपको उनका पॉन ये मार देंगे। अगर ना इन केस अगर वो ये वाला पॉन नहीं मार रहे हैं, ये अपना नाइट मार रहे हैं, तो आपको ये लगाना है, लगेगा चेक, है ना। चेक लगा तो किसी से भी बचाएगा, जैसे इन्होंने इससे बचाया, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, सिंपली ट्रेड कर सकते हैं, ये मारा, ये उनको मजबूरियाँ मारना, और यहाँ से उनकी बन जाएगी क्वीन। तो इसलिए ना ये वाला मूव बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर उन्होंने पॉन से नाइट ना मार के ये वाले पॉन को मारा, अपने C6 को मारा, तो आप यहाँ एक ईजिली पीस अप हो सकते हो, और जैसे ही नाइट ने इसको अगर मारेगा, तो आप ये चेक लगा सकते हो, और उसका रुक भी जाएगा, और ये नाइट भी ट्रैप हो रहा है। और अगर इन केस ना आपने Knight into E5 किया, और ब्लैक ने ना कुछ और मूव खेला, तो मेरा ना फ़र्ज ये है कि आपको हर मूव के बारे में बताना, ना सिर्फ कि ना जो मैं मुझे पता है ट्रैप्स लग सकते हैं, या फिर किसी में आप
पीस आप हो सकते हैं, सिर्फ वही बताना फर्ज नहीं है, हर कंडीशन के लिए आपको तैयार करना कि ये अगर ब्लैक ना बहुत अच्छे मूव भी खेले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो जैसे ब्लैक की अच्छे मूव भी हो सकती हैं, ब्लैक सिर्फ यही थोड़ी ना खेलेगा, बहुत लोग खेलेंगे, तो वो कंडीशन मैंने आपको बता दी उस कंडीशन में आपको कैसे पीस अप होना है। लेकिन अगर ब्लैक ने, अगर ब्लैक कैलकुलेट करके बैठा है, एडवांस प्लेयर है, तो उसने ये किया, तो वो कंडीशन में आपको बताना ज़रूरी है। तो इन दिस कंडीशन कि आपना अपना ना डेवलपमेंट स्टार्ट रखिए, पीस अप तो नहीं हो सकते हैं, तो आपने सिंपल अपना नाइट या बैक ले लीजिए या फिर C4 पे ले लीजिए, और ना फिर अपना जैसे उन्होंने अब ये किया है ना, तो आप अब ये कर सकते हैं, कैसल कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं आगे है ना, क्योंकि ओपनिंग में आप अभी बहुत आगे हैं। दिस केस जब आपने ना नाइट से E5 को कैप्चर किया, तो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स क्या खेलते हैं, वो करते हैं Ng6। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आपने देख लेना, आपके दिमाग में भी यही आया होगा Ng6 एक अच्छा मूव है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको रख देना है Bd3। क्यों? क्योंकि अगर उसने जैसे ही आपका नाइट कैप्चर किया है ना, तो नाइट कैप्चर किया, आप ये वाला नाइट, जैसे उन्होंने नाइट कैप्चर किया, आप नाइट करोगे और आपका एक अच्छा सेंटर कंट्रोल हो जाएगा, और आप अपना थोड़ा सा पुश कर सकते हो। आप ये वाला बिशप आपका ओपन है, ये दो आप ये भी पुश कर सकते हो, कैसल बहुत इजीली हो रही है, क्वीन भी ओपन है दोनों तरफ से, तो आप एक अच्छे ओपनिंग में हो। और इन द केस कि अगर वो क्योंकि एडवांस प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हो आप ये समझो, तो इन द केस एडवांस प्लेयर ना एक यहाँ पीस अप की सोचेगा, वो सोचेगा कि अगर मैं इसका ये मारूंगा है ना, तो जैसे ही वो ऐसे राजा से किंग से मारेगा तो मैं ये मार दूंगा, वो यही सोचेगा। तो इस केस में ना हमें ना क्या करना है, जैसे ही ना उसने यहाँ मारा ना, तो आपको ना क्वीन को मरने देना है, क्वीन को सेक्रीफाइस करना है, आपको कर देना है Bg6। अगर उसने बिशप को मारा समझिए, तो आप उनका नाइट मार सकते हो और आप एक पीस इजीली अप हो गए है ना। ज़्यादातर प्लेयर्स नहीं मारेंगे, वो क्या करेंगे कि वो करेंगे कि क्वीन को जैसे मार दिया, एडवांस प्लेयर है तो वो सुन नहीं, वो तो इसको ही मारेगा, क्या बोलते हैं, अगर वो एडवांस प्लेयर है ना तो वो यही मारेगा, लेकिन आप पीस अप तो हो गए ना, वो समझ जाएगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो ना क्वीन को मार देंगे, तो उस कंडीशन में आपको लगा देना है यहाँ पे चेक है ना, क्वीन आगे जाएगी और आपको लगा देना है बिशप से चेक है ना, यहाँ जाएगा किंग। तो अब वीडियो रोकिए, सोचिए क्या करना है, रोक के सोचो। यहाँ आपको क्वीन को नहीं किल करना है, यहाँ बेस्ट मूव होता है Nc4। क्यों? क्योंकि यहाँ ना किंग के पास ना बहुत ही लिमिटेड ब्लॉक से जाने के लिए, तो किंग यहाँ जाएगा C5 पे। तो यहाँ आपको क्या कर देना है, आपको अब फिर वीडियो रोकिए, फिर से सोचिए क्या करना है। यहाँ आपको करना है Nc2a3। क्या करना है? Nc2a3। क्यों? क्योंकि अगर क्वीन से उसने अब बिशप को मारा, तो अगले मूव में चेकमेट हो रहा है। जैसे उन्होंने क्वीन से इसको मारा, तो देयर इज चेकमेट। तो ये था पोंजियानी का Part 1। Part 2 भी है, मतलब हाँ Part 2 भी है, जिसमें हम कुछ और डेडली ट्रैप्स और थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा डीप वाले वीडियोस देखेंगे है ना, जो बहुत एडवांस प्लेयर के लिए होंगे है ना। और Part 3 भी होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पोंजियानी के ख़िलाफ़ खेलना है, ब्लैक की तरफ से पोंजियानी के अगेंस्ट में कैसे खेलना है, ठीक है। तो प्लीज़, ये हम लोग अभी अभी न्यू चैनल है हमारे, वैसे हमारा क्लब भी है छत्तीसगढ़ में, तो अभी अभी हम लोग यूट्यूब पे न्यू आए हैं, तो इसको प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को है ना। हम लोग और वीडियोस भी अभी अपलोड करेंगे, हमारा क्लब है, तो आज वैसे 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय हिंद जय भारत।